चाहे योगी सरकार प्रदेश को 24 घंटे बिजली देने का वादा कर रही है, तो वहीं कई गांव ऐसे भी हैं जहां 10-10 दिन तक बल्ब नहीं चलता। बरसात के मौसम में ग्रामीण अंधेरे में गुजारा कर रहे हैं, लेकिन जब उनके सब्र का बांध टूटा तो उन्होंने पावर हाउस पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। आपको बता दें कि मऊरानीपुर क्षेत्र में बीते दिनों हुई बारिश के चलते विद्युत लाइन खराब हो गई थी, जिसकी वजह से कई घंटे विद्युत आपूर्ति बाधित रही। लेकिन लापरवाही की हद तो तब हो गई जब 10 दिन तक विभाग की लापरवाही से कई गांव अंधेरे में डूबे रहे। मऊरानीपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम चुरारा, धौर्रा, बख्तर, केलुआ, बीरा सहित आधा दर्जन गांव में विद्युत पिछले 10 दिनों से नहीं आ रही। जब अधिकारियों से शिकायत के बाद भी उनकी सुध नहीं ली गई तो ग्रामीणों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। सब्र का बांध टूटा तो सैकड़ों ग्रामीण इकट्ठा होकर मऊरानीपुर के पावर हाउस आ पहुंचे और विद्युत विभाग के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए हंगामा काटना शुरू कर दिया। हंगामे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने लोगों को समझाने के बाद मामला शांत करवाया। ग्रामीणों ने विद्युत सुचारू कराने का आश्वासन के बाद प्रदर्शन खत्म किया। भैया सर, ऐसा है कि हमारे यहाँ 4-5 दिन से लाइट नहीं आ रही। बीरा, धौर्रा, केलुआ, बख्तर, केमाई, ये चुरारा तक सप्लाई चालू करते हैं, इसके बाद बंद कर देते हैं। वहाँ से लाइन काट देते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। हम लोग बहुत दिन से परेशान हैं, हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, उन लोगों के आए दिन बहुत समस्याएं हो रही हैं। इतनी समस्याएं हो रही हैं कि आप लोगों को हम कुछ बता नहीं सकते हैं। मोबाइल डिस्चार्ज है, मतलब बहुत। आप लोगों ने अधिकारियों से भी बात की है कुछ? हाँ, अधिकारियों से बात करते हैं, वो कहते हैं आप 1 घंटे रुक जाइए, 2 घंटे रुक जाइए। 5 दिन लगातार हो गए हम लोग, और आश्वासन के अलावा कुछ नहीं है। कितने ग्रामों की लाइट नहीं आ रही है? हमारे यहाँ 6 गांव ग्रामीण क्षेत्र है, जो पूरा 6 गांव आते हैं उसमें, तो किसी भी गांव की लाइट नहीं आ रही। किसी भी गांव की नहीं आ रही। आपके लाइन मैन की क्या समस्या है वहाँ? लाइन मैन को आज तक हम लोगों ने किसी ने देखा ही नहीं है। लाइन मैन है कौन? कैमरा पर्सन प्रदीप श्रीवास के साथ रवि परिहार की रिपोर्ट।